व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मॉनसून के फेस्टिवल के बारे में। देखिए, मॉनसून हमारी कंट्री में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, जिसके बेस पर हमारी कंट्री बहुत लार्ज स्केल पर डिपेंडेंट रहती है। तो इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे किस तरीके से मॉनसून के अलग अलग कलर होते हैं, मॉनसून का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आने का सिस्टम होता है। तो उसके बारे में एक तरीके से इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। आप लोग बोल सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के लिए, मतलब किस तरीके से मॉनसून रहने वाली है, क्या क्या बातें रहने वाली है, और वो भी एक एग्जीबिशन के फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से आर्ट की फॉर्म में बताया जाता है लगाकर वहां पर एग्जीबिशन। तो ये देखने को मिलता है आप लोगों को 2 सितंबर से 16 सितंबर तक। टाइमिंग जो है यहाँ पर यह 10 AM से 5 AM तक, ये अभी जो यहाँ पर लगा है कहाँ पर, ये जयपुर राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, ये है रेड अर्थ, और ये एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर करती है। तो इस तरीके के फैक्ट्स आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि मॉनसून की वजह से काफी त्रासदी अब की बार आप लोगों को देखने को मिली केरला में, आप लोग देखते हैं। और बारिश जो है अब की बार अनलिमिटेड हो रही है, और वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, यानी कि जहां पर बोला जा रहा था बारिश नॉर्मल रहने वाली है, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ एरिया में बहुत कम हो रही है, ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। आज है 4 सितंबर, आज हम लोग देखेंगे नैनो मैगजीन हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के साथ में, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग बोल सकते हैं। और एक बात इससे आगे बढ़ने से पहले, देखिए कई बार अगर लेक्चर लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर कभी भी कुछ लेक्चर लेट होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ देता हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी सेक्शन में भी जाकर आप लोग देखते हैं, जो यूट्यूब पर जाएंगे तो ऊपर ही कम्युनिटी सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई दी जाती है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट न हो। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आप लोगों का टाइम वेस्ट, और खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग अपना थोड़ा सा उस तरीके की चीज़ों को चेक कर ले कीजिए, अगर वीडियो टाइम पर नहीं मिलती है किसी भी रीजन की वजह से। तो जो फर्स्ट बात यहाँ पर बोली गई है, ये बोली गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के बारे में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अब की बार, जो देख सकते हैं हमारी कंट्री में एक नया अभियान स्टार्ट किया गया, जिसको हम लोगों ने पोषण अभियान बोला। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का मंथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, यानी कि आप लोग खाते क्या है, पीते क्या है, आप लोगों को इस तरीके से अवेयर कराना, ताकि आप लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। क्योंकि अगर हेल्थ रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, तो एक्चुअल में ये है, क्योंकि अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ आप लोगों के साथ में सही चलता रहेगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप लोगों के साथ में कुछ भी सही नहीं होगा। तो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ यहाँ पर सितंबर का मंथ है ये, एवरी ईयर यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आप लोग देखते हैं, ये है इंडियन न्यूट्रिशन चैलेंज, जो कि अंडर पोषण अभियान के तहत यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। यानी कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को एक हस्ट पुष्ट कंट्री बना सकते हैं, उस पर फोकस यहाँ पर दिया जाता है। आप लोगों को ये बताना है, जो पोषण अभियान काफी न्यूज में है, इसके बारे में हल्का सा आप लोगों को याद रखना है, और ये बताना है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में और साइप्रस के बारे में। हमारे प्रेसिडेंट साइप्रस की विजिट पर थे, तो वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स के द्वारा बात की गई, साइप्रस के डेलीगेट्स के द्वारा, और कई तरीके के यहाँ पर 2 तरीके के एग्रीमेंट साइन किए गए। कौन कौन से वो एग्रीमेंट थे, की एग्रीमेंट, उनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बात की जा रही है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया के द्वारा एक अच्छी प्रोग्रेस बनाई गई है, खासकर स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए सैनिटेशन में, यानी कि एक अच्छे लेवल का यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया। ग्राउंड लेवल पर स्कूल जो देखते हैं वहाँ पर सफाई वगैरह को लेकर आप लोग देखते हैं, अच्छे लेवल का हमारे यहाँ पर एक डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिससे कि देखिए बच्चों को जो बीमारी वगैरह होती है या फिर कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम निकल के आती है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, आप लोग देखते हैं बहुत सारे टॉयलेट वगैरह क्रिएट किए गए, पहले उसी की वजह से जो हमारी छोटी छोटी बच्चे होती थी स्कूल में नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट अवेलेबल नहीं होते थे, या फिर सेपरेट टॉयलेट आप लोग बोल सकते हैं नहीं होते थे, तो बहुत सारे रीजन यहाँ पर होते थे। तो उसमें काफी प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिली, ये बात बोली गई यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री के जो यहाँ पर एयर चीफ मार्शल है, नाम है बिजेंद्र सिंह धनोआ, ये यहाँ पर अभी विजिट पर थे नाइपाई टाउ, कहाँ पर है ये, म्यांमार की कैपिटल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, कई सारी बातें की जाती है। देखिए अलग अलग कंट्री में विजिट किया जाता है, तो एक ये होता है कि अलग अलग एरिया में हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन बना सके। तो म्यांमार और मलेशिया, 2 कंट्री आप लोग यहाँ पर निहार सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया म्यांमार, जिसको बर्मा पुराना नाम भी आप लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मलेशिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है कुआलालंपुर, यहाँ पर कैपिटल आप लोग देखते हैं, ये म्यांमार जरूर याद रखेगा। तो हमारी कंट्री के कौन है, ये हमारी कंट्री के
एयर चीफ मार्शल कौन है? बिजेंद्र सिंह धनोआ। नेवी के चीफ कौन है और आर्मी के चीफ कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम बताइए। आगे चलते हैं, आगे काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। स्पेन के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्पेन यहाँ पर ये कंट्री हो गई और यहाँ पर स्पेन में ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया काफी न्यूज में रहते हैं। आप लोग अगर फॉलो करके चल रहे हैं रेगुलरली द हिंदू आर्टिकल पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पर कई बार हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये है कैटलोनिया। कैटलोनिया एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिस तरीके से कई बार यहाँ पर बात की जाती है इंडिपेंडेंट होने की। आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में भी कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर अलग स्टेट बनाने की बात की जाती है। तो यहाँ पर अभी जो है स्पेन के पीएम, उन्होंने बोला है रेफरेंडम कराया जाएगा यहाँ पर ऑटोनॉमी देने के लिए, यानी कि आप लोग कुछ अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। पर लेकिन इंडिपेंडेंट आप लोगों को, जो इंडिपेंडेंस के लिए अगर आप लोग बोले कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट के लिए आप लोगों को अलाउ किया जाएगा आजाद होने के लिए, तो वो चीज अलाउ नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बताऊं, इस तरीके से आप लोग देखते हैं मतलब, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमारी ही कंट्री में आप लोग लीजिए, हमारी कंट्री में जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर क्या एक तरीके से ऑटोनोमस रीजन आप लोग बोल सकते हैं, अपना खुद का संविधान है, खुद की सिटीजनशिप है, सारे रूल और रेगुलेशन खुद बनाते हैं वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं एक ऑटोनोमस रीजन है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने डिसीजन खुद लेता है। पर लेकिन एक ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से बार बार बात चलती है कि जम्मू और कश्मीर को उनको आजाद कर दिए, तो ये सब बातें यहाँ पर इसलिए बोला गया कि ये सब बातें यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। कौन चाहेगा कि उसकी कंट्री का पार्ट हट के उससे अलग हो जाए? और बहुत ही वेल्दी रीजन है यहाँ पर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर और एरिया के डेवलपमेंट में भी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे दार्जिलिंग वाला एरिया नहीं है हमारी कंट्री में, दार्जिलिंग में अभी बात चल रही थी कि अपना अलग स्टेट बनाने की, तो अलग स्टेट बनाने के लिए एक बार को अलाउ किया जा सकता है। पर लेकिन इंडिपेंडेंट बोलने लगे दार्जिलिंग अपने आपको कि इंडिपेंडेंट होना है, तो वो चीजें हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग यहाँ पर कैटलोनिया के बारे में याद रख सकते हैं। ये कैटलोनिया के साथ में ये छोटी सी कंट्री जो चिपकी हुई है, इस कंट्री का नाम बताना है, इंटरेस्टिंग कंट्री है और काफी पुराना रिश्ता है हमारा इसके साथ में, आप लोग बोल सकते हैं काफी पुराना याराना है, तो हल्का सा आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, काफी शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए यहां पर। ये देखिए हिंदी में भी आप लोग आंसर दे सकते थे, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हिंदी में आंसर दे दे क्या, आप लोगों को जैसे सुटेबल लगे आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर दिए गए, यहाँ पर ये है अंजलि त्रिवेदी और दूसरे यहाँ पर ये है गीतांजलि गुप्ता, ठीक है। तो शानदार तरीके से आंसर दिए गए, ये इंग्लिश में है, यहाँ पर ये हिंदी में है और ये आप लोगों ने सबसे ऊपर पहुंचा दिया था लाइक कर करके, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पहला जो क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर, ये है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 से हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को नजर आएंगे, तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, यह उत्तराखंड से जो उत्तराखंड सेपरेट किया गया था यूपी से 2000 में और ये 27th स्टेट बना था। झारखंड सेपरेट किया गया था बिहार से, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर 28वां राज्य बना था, यानी कि जो 29वां राज्य है अभी तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से निकलकर, उससे पहले अभी कोई राज्य नहीं बना है, यानी कि 2000 से लेकर अब तक का ये राज्य आप लोगों के सामने है। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है रशिया की, वो यूरोप में रहती है, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर रसिया, ठीक है। तो ये रसिया का ये वाला पोर्शन लगभग, तो ये वाला आता है यूरोप में और ये वाला आता है एशिया में। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है पर लेकिन एरिया वाइज कम है। ये वाला पोर्शन एशिया में है, बड़ा पोर्शन एशिया में है पर लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से जो एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर उल्टी सीधी आप लोगों को खाड़ियाँ पहाड़ियाँ, इसके अलावा बर्फ जमा हुआ मिलेगा और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई अच्छी यहाँ पर चीज़ें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये वैसा एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा रहती है, एक एनालिसिस के बेस पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो बात की जाती है, यह यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टूरिज्म की एक्टिविटी ना कि इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ी है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता था। जो इसको फाउंड किया गया था ये 1975 में, हेडक्वार्टर ये आप लोगों को मैड्रिड स्पेन, जो कि मैंने आप लोगों को अभी मैप में दिखाया, कैटलोनिया हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा और इसके जो हेड है, ये नाम इनका जैड पोलो लिकास वेली, ठीक है ना, इनका नाम भी आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। बाकी ये जरूर याद रखिएगा कि यूएन के अंडर ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1975 में गठन किया गया था, हेडक्वार्टर नॉर्मली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसको जो सेटअप किया गया था, ये रिकमेंड किया गया था यहाँ पर, ये है ये रिकमेंड जो किया गया था यहाँ पर, ये कमेटी का भी नाम आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि देखिए जब गांव के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस हमारी कंट्री में दिया जा रहा है और बार बार न्यूज में रहता है, तो इसलिए हिस्टोरिकल भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये है सिवारमन कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन के बेस पर इसको काउंट किया गया था, जो फॉर्मेशन किया गया था 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में नजर आएगा और आज की डेट में जो यहाँ पर चेयरमैन है ये हर्ष कुमार बेनवाल, ठीक है, तो नाम याद रखते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये पूछा था किसके बारे में, ये कुआलालंपुर के बारे में पूछा था
कैपिटल है मलेशिया की, जो हम लोगों ने अभी मैप में भी देखा जहां पर हमारी कंट्री के एयर चीफ मार्शल आज के डेट में विजिट पर है। करेंसी कौन सी है यहां पर, करेंसी होती है मलेशिया की रेंगिट, और अगर बात करें लैंग्वेज तो यहां पर मलेशियन और इंग्लिश यूज की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग शानदार तरीके से आंसर देते रहिए, काफी अच्छा लगता है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर डिस्कस करते हैं यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। जो फर्स्ट आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है ये आप लोगों के सामने है, ये बात की जा रही है गवर्नमेंट अभी आने वाली एक नए ड्राफ्ट के साथ में, जो यहां पर बात किया जा रहा है ई फार्मेसी, यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में आप लोग क्या करते हैं, जरा सी चीज के लिए आप लोग जाते हैं, आप लोग देखते हैं या तो अमेजन खोलते हैं, फ्लिपकार्ट खोलते हैं, जहां पर भी आप लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, पर लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है तो उसके लिए भी यहां पर एक शानदार तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि आसानी से घर बैठे ही बिना किसी प्रॉब्लम में पड़े आप लोग अपना जो मेडिसिन वगैरह है उसको मंगा सकें, तो उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। पर लेकिन देखिए मेडिसिन जितना सही मंगाना है उतना ही यहां पर एक तरीके से सिक्योर रहना भी है, क्योंकि कई सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि नॉर्मली ऑफलाइन नहीं मिल पाती हैं, और या फिर बोला जाता है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो दवाई नहीं दी जाएगी, अगर वो दवाई भी ऑनलाइन मिलने लगी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के तो फिर दिक्कत यहां पर हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तहत यहां पर ये दवाई प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो उसी के लिए यहां पर एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात की जा रही है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रेगुलेट करेगा ऑनलाइन जो दवाइयां बेची जाती हैं उसको। तो यहां पर जो ये इस तरीके की जो बातें होती हैं ये है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अंडर में आता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखते हैं। इसका जो गठन किया गया था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ये क्या, ये है यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या क्या ड्रग्स का स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको कंट्रोल करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो आप लोग याद रखते हैं, इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में नजर आएगा, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में आयुर्वेद से रिलेटेड भी चीजें आ रही हैं, अलग अलग तरीके यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो दवाइयाँ क्या होनी है, तो बहुत सारी तमाम तरीके की आज के डेट में हमारी कंट्री में आप लोगों को पद्धति नजर आएंगी इन सब चीजों से रिलेटेड, और बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप लोग देखते हैं। आप लोग अगर बात करें यूरोप के बारे में तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी तो यूरोपियन यूनियन की है, इसके अलावा यहां पर है PMDA ये जापान की है, इसके अलावा यहां पर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, और इसी तरीके से यहां पर मेडिसिन एंड द हेल्थ केयर प्रोडक्ट मेडिकल, ये है मेडिसिन एंड द हेल्थ केयर, यह है प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, यानी कि हर एक कंट्री में आप लोगों को एक ऐसी एजेंसी नजर आएगी जो कि इन सब चीजों को टैकल करके चलती है। आप लोगों को यह बताना है जो मैंने अभी बोला है, यहां पर यह बोला है मैंने अभी आप लोगों को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है क्वेश्चन, और उसके मिनिस्टर कौन है ये बात आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके तो एम क्या है इसका, एम यह है सीधा सीधा कि किस तरीके से यहां पर जो ऑनलाइन मेडिसिन होती है अक्रॉस द कंट्री उनको हम लोग एक तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, उससे बेच सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये मार्केट आज की डेट में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर एक प्रॉपर वे में यहां पर ऑनलाइन ऑथोरिटी रहेगी जिसको ऑथेंटिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल पे यहां पर बेचा जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर देगा कुछ भी चीजें, तो जो सेल रहेगी जो भी दवाई ये इस एक ऐसे पर्सन को दिया जाएगा, यहां पर लाइसेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके बेस में उनको अलाउ किया जाएगा कि आप लोग यहां पर ये दवाई बेच सकें, एक रजिस्टर वहां पर कराया जाएगा, यानी कि रजिस्टर कराने के बेस पर यानी कि पता रहेगा कहां से कौन सी दवाई बेची जा रही है ऑनलाइन पोर्टल के तहत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर लाइसेंस देने के बाद में किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं ऐसी दवाइयों से जो कि यहां पर खतरनाक साबित होती हैं, यानी कि जिनको प्रोहिबिट किया गया ऑफलाइन उनको ऑनलाइन भी न बेचा जा सके, इसका खासा ध्यान यहां पर रखा जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इंटरेस्टिंग है, और आप लोग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें आप लोग ये याद रखते हैं, अगर कोई भी मेडिसिन आप लोग लेना चाहें मार्केट में लेने जाएं, चाहे ऑनलाइन खरीदे चाहे ऑफलाइन खरीदे, खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लिया कीजिए। ओके कई बार क्या होते हैं ऐसे उसको खरीद लिया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है, हमारे प्रेसिडेंट साइप्रस की विजिट पर थे, तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है दो एमओयू साइन किए गए हैं, एक तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में और दूसरा इन्वायरमेंट के बारे में। तो दोनों कंट्री यहां पर काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर रही है, किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री के मिलकर बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, खासकर आईटी फील्ड में अगर बात करें। और इसी तरीके से यहां पर देखिए हमारी कंट्री जहां पर भी जाती है हर एक कंट्री के साथ में क्या बात करती है कि हमको सपोर्ट कीजिए, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप हम लोगों को मिल जाए। ये वही मेंबरशिप है जो एक बार हम लोगों को मिलने वाली थी, पर लेकिन हम लोगों ने ये दान में दे दी थी किसको, चाइना को, और आज की डेट में वही चाइना हमारे लिए रोड अटका के वहां पर खड़ा हुआ है। तो आप लोग देखते हैं यहां पर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप के लिए भी यहां पर हमको सपोर्ट करता है साइप्रस। इंडिया और साइप्रस यहां पर काफी अच्छे से काम करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, खासकर आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि फर्स्ट ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में आप लोगों को गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो उन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए यहां पर ये बातें आप लोगों के सामने हैं
जिस तरीके से हम लोग कोलेबरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, मैंने अभी आप लोगों को मेडिसिन के बारे में जिक्र किया। जेनरिक मेडिसिन हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे लीडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जेनरिक मेडिसिन की बात करें, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? एक होता है स्टैंडर्ड दवाई। स्टैंडर्ड दवाई वो दवाई होती है जो कोई भी कंपनी बनाती है, जिसको यहाँ पर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना लाइसेंस ले रखा है, तो पेटेंट ले रखा है उसने, लगभग 20 से 25 साल आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आराम से दवाई बनाती है। पर लेकिन जब यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, जब उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या किसी रीजन की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, कोई महामारी आ गई, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, उसको जेनरिक दवाई बनाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वही सोल्ट वगैरह यूज करके दवाई बनाना, पर लेकिन उसका कोई पेटेंट न होना, उसको जेनरिक दवाई बताते हैं। और अगर स्टैंडर्ड दवाई अगर 1000 की है, तो जेनरिक दवाई लगभग आप लोगों 100 या 150 रुपए की मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है, इसीलिए मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक हब के तरीके से यूटिलाइज किया जाता है हमारी कंट्री को। और जो डेवलप इकोनॉमी है, यानी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया या दूसरी अलग कंट्री होगी, वो चिढ़ते हैं इस चीज से। रीजन क्या है? रीजन ये बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने किया है और जेनरिक जो इंडस्ट्री है यहां पर, ये फल फूल रही है, ये इंडिया की। तो ऐसी बातें कई बार बोली जाती है, तो ये भी बातें आप लोग माइंड में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, बाकी अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहे तो छोटी सी लोकेशन यहाँ पर साइप्रस की देख सकते हैं, हो गया ऊपर टर्की और नीचे हो गया साइप्रस। बाकी आप लोगों को इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा द हिंदू में, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था। आगे चलते हैं, आगे बात जो की जा रही है यहाँ पर, यह है बाई एनुअल टॉक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप लोगों को पता है 1971 की वार के बाद में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले पाकिस्तान का पार्ट था। और यहाँ पर आप लोगों को नजर आता होगा 1947 में यहाँ पर दो कंट्री बन गई आजाद होके, हालांकि कंट्री एक ही थी, एक को बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, एक को बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो बात किसी की जा रही है? बात की जा रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश को यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान को यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, पर 1971 की वार के बाद में यहाँ पर अलग अलग कंट्री बन गए। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर भी यहाँ पर कितने शानदार तरीके से कनेक्ट है। त्रिपुरा आप लोग देखते हैं, मेघालय देखते हैं, वेस्ट बंगाल देखते हैं, चारों तरफ से हमसे घिरा हुआ है ये कंट्री बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे तो आप लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी। तो इसलिए पुराने टाइम से हम लोग बॉर्डर को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के बारे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर एनुअल टॉक देखने को मिली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, किस तरीके से बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है एक दूसरे की कंट्री के बारे में। तो न्यू दिल्ली में ये आप लोगों को देखने को मिली। जी, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF यहाँ पर कौन है? यहाँ पर KK शर्मा हमारी साइड से रिप्रेजेंट किया गया है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहाँ पर है BZP। ठीक है, तो मेजर जनरल यहां पर जो है ये इनकी कंट्री के, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अभी यहां पर 6 दिन की टॉक आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। बायलेटरल कोऑपरेशन से यहां पर कोशिश की जाएगी कि देखिए काम क्या किया जाता है। बॉर्डर के इशू तो हम लोग वैसे सुलझा चुके हैं, क्या क्या कंट्री है, कौन सा एरिया किस किस एरिया में आते हैं, पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम और क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बॉर्डर के क्रॉस करके एक दूसरी कंट्री में यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी करना, इलीगल मेडिसिन वगैरह बेचना, इसके अलावा कैटल जो जानवर होते हैं उनको चोरी करके ले जाना, गन्स वगैरह सप्लाई करना, तो ये जो सारी चीजें होती हैं इन सब चीजों पर फोकस लगाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो बॉर्डर है वो काफी एक तरीके से ऐसा है कि उन पर सब जगह हम लोग एक तरीके से मेड नहीं लगा सकते वहां पर, या सब तरीके से हम लोग वहां पर एक कंट्रोल नहीं कर सकते, काफी पोरस बॉर्डर आप लोग वहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उसको याद रखेगा थोड़ा। तो दोनों साइड यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा 47 टाइम्स अब तक मिल चुके हैं 1975, यानी कि 1971 से जब से यहां पर यह आजाद हुआ तब से 47वीं ये मीटिंग यहां पर है इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है अभी शानदार है, यहाँ पर वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी की बात की जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि जो दिल्ली का जो मेट्रो कार्ड है वो मेट्रो कार्ड आप लोग यूज कर सकते हैं कहां पर, दिल्ली की बस में भी। तो देखिए इसी तरीके से कोशिश ये की जाती है कि एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जो कि सब जगह यहां पर यूज किया जा सके। तो उसी के लिए नीति आयोग के जो CEO हैं उनके द्वारा बात बोली जा रही है यहां पर कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वन नेशन वन कार्ड बनाने की, एक कार्ड आप लोगों को दे दिया जाए, उसके कार्ड को लेकर आप लोग कंट्री में कहीं पर भी विजिट करें, चाहे आप लोग दिल्ली मुंबई कहीं पर भी विजिट करें मेट्रो वगैरह में, तो उसको एक ही कार्ड को आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें अगर पैसा होगा तो हर तरीके से उसको यूज किया जा सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज कार्ड उसको आप लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बात बोली जा रही है, अच्छी बात है, यानी कि कई कई कार्ड लेके घूमना पड़ता है, पर लेकिन बुरी बात ये भी है अगर एक ही गुम हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीजें होने वाली हैं, तो ये अभी एक फेज आप लोग बोल सकते हैं। तो नीति आयोग के जो CEO हैं यहां पर ही हैं आज के में अमिताभ कांत, तो बात यही बोली जा रही है कि वन नेशन वन कार्ड लेकर आएंगे खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि कनेक्टिविटी और अच्छे से रहे और जनता को फायदा यहां पर हो सके। फंक्शन क्या रहेगा आने आने वाले टाइम में, तो फ्यूचर मोबिलिटी समिट यहां पर देखने को मिली न्यू दिल्ली में, जिसमें अमिताभ कांत के द्वारा इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री का जो यहां पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, एक तरीके से बैकबोन माना जाता है अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। आप लोग ये बोलते हैं कि यार पहले तो यहां तक भी बात होती थी, रिश्ते जो होते थे ना शादी करने वाले, अगर किसी गाँव में शादी होनी है तो आप लोगों ने सुना होगा यार वहां पर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जाने का
रास्ता चलिए वहां पर, वहां रिश्ता मत करो, परेशान होगी जिंदगी भर, ऐसी भी बातें डिसाइड की जाती थी पहले। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके की बातें हैं। तो ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है किसी एरिया का तो आप लोगों का एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है और अलग ही वहां पर टूरिस्ट की एक्टिविटी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, इकोनॉमी अच्छी देखने को मिली वहां पर पर्टिकुलर एरिया की। तो कई सारे डायमेंशन में आप लोगों को वहां पर इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर ये बात की जा रही है ICRAFPT, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो किस तरीके से बात की जा रही है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, एक एडवांस लेवल पर लेके जाने की बात की जा रही है यहाँ पर। ये आप लोगों को देखने को मिला अभी हेल्ड हुई यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आप लोगों को नजर आएगा कहाँ पर, ये तमिलनाडु में, ठीक है। फोकस क्या है, डबल करनी है फार्मर की इनकम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये फूड प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि मान लीजिए आप लोग खेतों से निकाल के लेके आते हैं गेहूं और उसका आप लोगों को ब्रेड बनाना है, ठीक है। तो ब्रेड बनाना है किस तरीके से, आप लोग मार्केट में खरीद के लेके आते हैं अलग अलग तरीके के ब्रेड, और नॉर्मली ये मान्यता जैसे कि व्हाइट ब्रेड देखते हैं, ब्राउन ब्रेड देखते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने बातें नजर आती है। और नॉर्मली हाँ ये भी माना जाता है कि ब्राउन ब्रेड जो होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं बॉडी के लिए, तो आप लोग अगर खरीदा कीजिए तो ब्राउन ब्रेड खरीदा कीजिए, वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता रहना चाहिए आप लोग क्या खाना है और क्या पीना है, कम से कम ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा याद रखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक सेशन देखने को मिला किस तरीके से अलग अलग फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को तमिलनाडु में नजर आएगा, जो मैंने अभी बात की। और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आप लोगों का देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है किस तरीके से बात की जा रही है किसी भी फील्ड में, और ऐसी जो आप लोग टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है अगर कोई आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर किसानों की इनकम डबल करने के बारे में, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक किताब के बारे में भी जान लेते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर, ये किताब है यहाँ पर द डिसओबीडियंट इंडियन टूवर्ड्स ए गांधीयन फिलोसफी ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पर जो लिखी गई है यह है यहाँ पर रामीन जहान बैगलो, ठीक है ना। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, किताब कई बार पूछ ली जाती है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था एक किताब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गांधीयन फिलोसफी के बारे में यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आज की डेट में भी गांधीयन फिलोसफी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या आज की डेट में यूज की जा सकती है, आज की डेट में इस तरह की चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो आप लोग देखते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं उसके बारे में। बाकी आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये आप लोगों को रिवीजन करना है आज आप पॉलिटिका 76वां लेसन, यहाँ पर 76 जो लेसन है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसका गठन कब किया गया था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आज के में कौन है चेयरमैन, ये आप लोगों को बताना है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये किस तरीके की बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये बातें आप लोगों को बतानी है, डिटेल में डिस्कस किया गया है, जाकर आप लोग लेक्चर को देखेंगे तो तमाम बातें आप लोगों को पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। वन लाइनर पर नजर डालते हैं, इंडिया की जो रैंक अभी रही है यहाँ पर रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है आप लोगों का 96 यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर देखते हैं 2018 का, यहाँ पर डेनमार्क यहाँ पर बोथ ई गवर्नेंस यहाँ पर ई पार्टिसिपेशन में यहाँ पर टॉप पर रहा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिए काफी इंपोर्टेंट था और काफी न्यूज में भी था, नाम किया गया था ई एक्सरियान, यानी कि क्या काम किया जाता है, प्रिंटिंग फॉर्म को यहाँ पर इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि उसको आसानी से कॉपी वगैरह किया जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट को कि वो विड्रॉ कर रहा है प्रपोजल क्या करने के लिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब, यानी कि आजकल में व्हाट्सएप फेसबुक इसको ट्रैक करने की बात की जा रही थी कि कोई उल्टी सीधी हरकतें ना हो, पर लेकिन ये हमारी प्राइवेसी का हनन होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मना कर दिया गया। प्राइवेसी की बात किस आर्टिकल में की जाती है ढंग से एक तरीके से, जिसके ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है, और उस केस का भी नाम आप लोगों को बताना है जो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। क्या था केस का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकसभा ने अभी पास किया नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2018, इसके हिसाब से हमारी कंट्री में यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल यानी कि मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वेस्टर्न वाले रीजन, वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एजुकेशन के ऊपर क्या रिसर्च वगैरह की जा सकती है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम बातों पर फोकस देकर चला जाएगा। अंडर द गवर्नमेंट कमेटी हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी जो हेडेड बाई यहाँ पर बात की जा रही है, यह कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा एड्रेस करेंगे कि थर्मल पावर जो पावर प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है 141वीं बर्थ एनिवर्सरी, यहाँ पर हमारी कंट्री का जो फ्लैग डिजाइन किया गया था उनकी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई, नाम है यहाँ पर पिंगलिया वेंकैया, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये आप लोग बताइएगा, 2 अगस्त को आप लोगों को ये देखने को मिली, ओके। तो ये आप लोग देखते हैं
तो इस तरीके से आप काफी शानदार तरीके से अपना रिवीजन भी करते रहिए। अभी यहां पर रिव्यू करेंगे क्या क्या डिस्कस किया, लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए। आज का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का, और जब भी लाइक किया कीजिए अपने टारगेट को याद करना है आप लोगों को, ठीक है। नीचे आंसर देना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिए जहां पर भी आप लोग जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, ताकि हम एक अच्छा एजुकेशन का लेवल अपनी कंट्री में प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वो हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पर ये मॉनसून फेस्टिवल के बारे में डिटेल में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर ये है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के बारे में हम लोगों ने देखा। हमारी कंट्री के प्रेजिडेंट विजिट पर हैं कई कंट्री की, डिटेल में हम लोगों ने जाना यहाँ पर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया हम शानदार तरीके से चल रहे हैं, खासकर सैनिटेशन के फील्ड में। एयर चीफ मार्शल यहाँ पर आज के विजिट में है नाइपाई टाउ की, और इसके अलावा म्यांमार और यहाँ पर मलेशिया की विजिट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैटालोनिया के बारे में जाना, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंडिया और साइप्रस ने यहाँ पर दो एग्रीमेंट साइन किए हैं दो फील्ड में, डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने बाई एनुअल टॉक के बारे में जाना, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला वन नेशन वन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है ये यहाँ पर ई फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, जो आज के में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ई फार्मेसी आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आगे आने वाले टाइम में और आसानी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर आई यहाँ पर CRAFT के बारे में जाना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा क्या क्या बातें यहाँ पर है। इसके अलावा हम लोगों ने एक किताब के बारे में जाना, और ये था आप लोगों यहाँ पर आज का जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करना है जाकर, ये क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये शानदार तरीके से आप लोगों ने वन लाइनर देखा। ओके, तो ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक कीजिए, और किसी को टाइम मिले तो पढ़ा जरूर दिया दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।